फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि वर्ड लीव और गो में क्या फर्क है। यानी जाने के लिए कई बार वर्ड हम लीव का यूज करते हैं और कई बार हम वर्ड गो का यूज करते हैं। तो कैसे जाने हम कब वर्ड लीव का यूज करेंगे और कब हम गो का यूज करेंगे? तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। लीव मीन्स मूव फ्रॉम एंड गो मीन्स मूव टू। फ्रेंड्स, लीव मीन्स होता है मूव फ्रॉम, यानी किसी जगह से जाना या किसी जगह से मूव हो जाना, जबकि गो मीन्स किसी जगह को जाना या किसी जगह के लिए रवाना होना। तो ये है फ्रेंड्स बेसिक चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा कि लीव मीन्स मूव फ्रॉम, यानी किसी जगह से जाना या किसी जगह से दूर होना, जबकि गो मीन्स मूव टू, यानी किसी जगह को जाना या किसी जगह से करीब होना। टू लीव इज यूज्ड इन रेफरेंस टू द प्लेस आई एम मूविंग फ्रॉम। हम वर्ड लीव का यूज इस रेफरेंस में करते हैं जब हमको कहना हो कि हम कोई जगह से मूव हो रहे हैं या किसी जगह से दूर हो रहे हैं, तो हम वर्ड लीव का यूज करते हैं। टू गो इज यूज्ड इन अ रेफरेंस टू द प्लेस आई एम मूविंग टू। और वर्ड गो का यूज हम इस रेफरेंस में करते हैं जब हमें कहना हो कि हम किसी जगह के लिए जा रहे हैं या हम किसी जगह के लिए मूव हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह कांसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कांसेप्ट समझ में आया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।